गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई वंस अगेन वेलकम यू बैक। आप फिर से देख रहे हैं बहुत ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेक्चर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स लेकर आज मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का 7th वीडियो लेक्चर है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर शुरुआत में मैं थोड़ी सी बातें वो करूंगा जो मैंने पार्ट 6 वीडियो लेक्चर में करी थी। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ऊपर फ्रेम में लिखा हुआ है नॉमेनक्लेचर के आंसर्स। बिल्कुल सही आपने देखा कि पार्ट 6 के वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मैंने नॉमेनक्लेचर को डेडिकेट किया था। मैंने आपको पूरे वीडियो लेक्चर में नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कराई थी, और क्योंकि मैंने आपको नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ एग्जांपल्स वीडियो लेक्चर में ही बताए थे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने होमवर्क में भी दिए थे। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, कम से कम 500,000 बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया, अपने आंसर्स भेजे, और मैं बहुत सारे बच्चों को आंसर्स लिखवा भी पाया और रिप्लाई कर भी पाया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं कर पाया। यही वजह है कि आज मैं ये वीडियो लेक्चर की शुरुआत में पार्ट 6 के आखिर में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरीकों से मिस्टेक्स कर रखी थी। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक करी है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी है कि जब कभी किसी भी चेन की नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग में प्रेफरेंस ठीक से नहीं लिख रहे हैं, मतलब नंबरिंग आपकी गलत है। आपने ये तो पहचान लिया कि कार्बन की चेन ब्यूट की है या पेंट की है या हेप्ट की है, आप नंबरिंग गलत कर रहे हैं। जब आप नंबरिंग गलत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पूरा नाम गलत हो जाएगा। ये एक कॉमन मिस्टेक मुझे ज्यादातर बच्चों के आंसर में मिली। दूसरी कॉमन मिस्टेक मुझे जो ज्यादातर बच्चों के आंसर में मिली वो मिस्टेक थी कि बहुत सारे बच्चों ने नेमिंग तो सही कर दी, अगर मिथाइल दो बार आ रहा है तो डाई लगाना भूल गए और ट्राई लगाना भूल गए। भाई ये डाई और ट्राई ये प्रीफिक्स के तौर पे, प्रीफिक्स मतलब पहले से फिक्स करो, ये लगना बहुत जरूरी है। तो ये आएगा तो आपका नाम ढंग से कहलाएगा, अगर आपने अपने नाम में ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए तो पता कैसे चलेगा कि मिथाइल कितनी बार है। पोजीशन तो स्पेसिफाई कर रहे हैं लेकिन डाई लगाना बहुत जरूरी है। और तीसरी बहुत कॉमन मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। भाई प्रोपाइल को प्रोपाइल लिखो, पोपाइल मत लिखो, पोपाइल लिखा हुआ है कुछ बच्चों ने, तो प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिए, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। और आज का ये वीडियो लेक्चर जो कि पार्ट 7 वीडियो लेक्चर है केवल उन बच्चों के लिए बना है जिन्होंने पहला वाला वीडियो लेक्चर देखा है, यानी पार्ट 6 देखा है। तो अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है क्लास 10th के जो मेरा ये वीडियो लेक्चर आज पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी आपको फिर से एक चेतावनी है या रिक्वेस्ट है, आप मत देखिए, आपको समझ नहीं आएगा। अरे एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहानी शुरू कहां से हुई है, तब तो जाके पता चलेगा कि ये कहानी का कौन सा हिस्सा है। तो पार्ट 7 वीडियो लेक्चर से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 पूरी कार्बन एंड कंपाउंड्स की सीरीज मैं आपको दे चुका हूं। और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं पूरे के पूरे विश्व के बच्चों का, आई हैव रीच मोर देन 1 लाख व्यूज ऑन द कार्बन एंड कंपाउंड्स की सीरीज के सारे वीडियो लेक्चर्स के मिलाकर टोटल व्यूज 1.5 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। तो आपका ये प्यार इसी तरह से बरसाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं कि लास्ट वीडियो लेक्चर पार्ट नंबर 6 के आखिर में बताए गए क्वेश्चन के आंसर्स क्या है। एक बार फटाफट से रिवाइज कराता हूं, फटाफट से। कोई भी कार्बन का स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने अगर आ जाए तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो। आइए सबसे पहला काम करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन की एक चेन ये बन रही है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, सात कार्बन की एक चेन ये बन रही है। ध्यान से देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई चेन बन रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ एक चेन ये भी बन रही है, लेकिन सात कार्बन की चेन हमारे पास ये है। इस सात कार्बन की चेन में अगर मैं यहां से काउंटिंग करता हूं तो 3 पे मिथाइल है, और यहां से काउंटिंग करता हूं तो 2 पे मिथाइल है। तो ऐसी बात है अल्फाबेटिकली तो मिथाइल आ रहा है, लेकिन पास कहां से पड़ रहा है, यहां से। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन और ये सातवां कार्बन। ये क्लियर हो गया, पहले बेसिक चीज समझते हैं। आओ स्ट्रक्चर नंबर 2 पे आते हैं।
स्ट्रक्चर नंबर टू की बात करूंगा। स्ट्रक्चर नंबर टू में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, तीन और तीन छह और एक सात, तीन चार पांच छह। बहुत सिंपल, ध्यान से देखो, सात कार्बन की एक चेन ये बन रही है स्ट्रेट चेन, तो इसमें यहां से जाओ तो भी ये चौथा, यहां से आओ तो भी ये चौथा। तो अगर मान लीजिए वन है, ये कॉमा टू है, ये कॉमा थ्री है, तो ये चौथा है और ये पांचवा, छठा और सातवा। तो चौथे में इस तरफ क्या लगा हुआ है, इस तरफ लगा हुआ है प्रोपाइल, क्या लगा हुआ है प्रोपाइल, और इस तरफ क्या लगा हुआ है इथाइल, क्या लगा हुआ है इथाइल। आई होप आपको समझ आ रहा है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अभी मैंने नेमिंग नहीं करी है, अभी मैंने नेमिंग नहीं करी, मैं केवल आपका काम आसान कर रहा हूं, आपको केवल चेन सेलेक्ट करना दिखा रहा हूं, आंसर चल रहे हैं अभी। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो नौ कार्बन की चेन ये भी है और नौ कार्बन की चेन ये भी है। तो देखिए ये मेरे पास एक स्ट्रेट चेन आ गई नौ कार्बन की, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ कार्बन की चेन में हमेशा याद रखना ये चेन सिंगल बॉन्ड की चेन नहीं है, ये चेन डबल बॉन्ड की चेन है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी है। तो मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, ये पॉइंट मैंने आपको पार्ट सिक्स वीडियो लेक्चर में भी बताया था और अभी दोबारा बता रहा हूं, जब कभी किसी चेन में एल्काइल ग्रुप के अलावा, जब कभी किसी चेन में एल्काइल ग्रुप के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी हो, तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। अगर डबल बॉन्ड लगाए तो काउंटिंग वहां से शुरू करो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, काउंटिंग वहां से शुरू करो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, या अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो काउंटिंग वहां से शुरू करो जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये इथाइल है, यहां से पास पड़ रहा है थर्ड कार्बन पे, मैं चेक करूंगा मेरा डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है। अगर मैं यहां से काउंट किया तो तीसरे में डबल बॉन्ड है, यहां से काउंट किया तो चौथे में डबल बॉन्ड है। तो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवंथ कार्बन, एट्थ कार्बन एंड नाइन्थ कार्बन। देख लीजिए, आइए अगले एग्जांपल की बात करता हूं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कार्बन की मुझे एक लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, आठ कार्बन की मुझे एक लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, बड़ी प्यारी सी मुझे चेन मिल गई है, आठ कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। इस आठ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में एल्काइल ग्रुप के अलावा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, एल्काइल ग्रुप के अलावा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो यहां से गया तो चौथे पे आ रहा है, यहां से आया तो दूसरे पे आया, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां कार्बन एंड आठवां कार्बन। देख लीजिए, मैंने केवल अभी आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना सिखाया है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, क्योंकि जो गलती आप कर रहे हैं वो गलती का पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है। अगर आपने पहले स्टेप में मिस्टेक कर दी तो हो सकता है कि आपका आगे नाम बिल्कुल गलत हो जाए। तो अपना लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना आपकी टॉप प्रायोरिटी है, दैट टू इन अ राइट मैनर। आइए अगली बात करता हूं, अगली चेन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो आठ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये ली, आठ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये ली। यहां से काउंटिंग कर रहा तो ज्यादा पास पड़ता है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां कार्बन, आठवां कार्बन। देख लीजिए एक बार, आप देख लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, घूर लीजिए कि सर ने क्या किया है। इनके साथ अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे मैसेज करके प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। आपने जैसे देखा होगा पार्ट फाइव के वीडियो लेक्चर में मैंने मिस्टेक को करेक्ट कर दिया था, C2H2 गलती से लिख दिया था इथीन के लिए, करेक्शन किया है C2H4 और मैंने करेक्शन किया है, आप चेक कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि मिस्टेक पकड़ना डिफिकल्ट हो जाता है या मिस्टेक बाय चांस हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको भरपूर मौका दे रहा हूं, आप देखो एक बार चेक करो कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको समझ नहीं आई, या कुछ ऐसा जो मैंने अपने बताने से अलग किया है। सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाया है और नंबरिंग करी है, प्लीज हैव अ लुक, सैटिस्फाई हो जाओ, दो सेकंड पांच सेकंड दे रहा हूं, हैव अ लुक एंड देन वी विल डू द नॉर्मल क्लेचर, हम करेंगे इसका नामकरण। घूर लो एक बार, आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है, आपको समझ आना चाहिए कि कैसे नॉमेनक्लेचर किया जा रहा है और कैसे नेमिंग की जा रही है। तो चलिए, अगर आपने घूर लिया है तो क्यों ना अब हम इनका नाम लिखें। आइए भाई, अगर यहां पे साफ पता चल रहा है, एक दो तीन चार पांच छह सात,
सात कार्बन की चेन में 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, तो 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। बहुत सारे बच्चे ये ट्राई लिख जाना भूल रहे हैं, ये ट्राई लिख जाना भूल रहे हैं। तो ट्राई मिथाइल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। देख लीजिए, आइए इसकी बात करते हैं, कितने कार्बन है, 9 कार्बन है। 9 कार्बन की चेन में थर्ड पे क्या है, इथाइल। तो मैंने लिखा टीचर 3 पे इथाइल और 9 कार्बन की चेन, तो 3 पे इथाइल, नॉन में 3 और 5 पे डाइईन। देख लीजिए 3 इथाइल, नॉन 9 कार्बन की चेन में, तीसरे पे डबल बॉन्ड, पांचवे पे डबल बॉन्ड, 3, 5 डाइईन। आइए इसकी बात करते हैं, ये कितने कार्बन की चेन है, टोटल 7 कार्बन की चेन है। 7 कार्बन की चेन में चौथे कार्बन पे इथाइल है और चौथे कार्बन पे प्रोपाइल है, तो पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है, इथाइल। तो 4 इथाइल 4 प्रोपाइल 7 कार्बन की चेन यानी हेप्टेन। 4 इथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। घूर लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट आ जाए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, इस वीडियो लेक्चर के मैसेज में रिप्लाई कर दीजिए, कैसे ना कैसे करके अपने मन की संतुष्टि पूरी कर लीजिए। आइए 8 कार्बन की चेन में यहां से काउंटिंग करी तो 5वां और 6ठा, 6ठे पे कौन, मिथाइल, तो 6 पे मिथाइल 6 पे मिथाइल। 8 कार्बन की चेन तो ऑक्ट 2 और 4 डाई आइन 6 मिथाइल ऑक्ट 2 4 डाई आइन। आइए ये भी 8 कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन में नंबर यहां से करी 7 पे मिथाइल, तो 7 पे मिथाइल और ऑक्ट में 3 पे और 5 पे, ऑक्ट में 3 पे और 5 पे दो बार कौन लगा है, आइन लगा है, तो डाई आइन। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 था जो मैंने आपको दिया था, ये मेरा एग्जांपल नंबर 2 था जो मैंने आपको दिया था, ये मेरा एग्जांपल नंबर 3 था जो मैंने आपको दिया था, और ये मेरा एग्जांपल नंबर 4 था जो मैंने आपको दिया था, और ये मेरा एग्जांपल नंबर 5 था जो मैंने आपको दिया था। मैंने आपको कुल मिलाकर 5, आई रिपीट माय सेंटेंस, कुल मिलाकर 5 एग्जांपल दिए थे और मैंने आपको यहां पे आंसर्स लिख दिए हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, और आई होप ये आपको समझ आ गया है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस खुद से करना चाहे आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर में बताई हुई सारी की सारी बातें शुरुआत में जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आ गई हैं, ये एटलीस्ट समझ आ गया है। देखो अगर इतना समझ आ गया तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा पार्ट 7 वीडियो लेक्चर। बिल्कुल सही, पार्ट 7 वीडियो लेक्चर। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स, मैं बात करने जा रहा हूं इसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो आइए हम बिना किसी डिले के, बिना किसी समय को गवाए शुरू करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 7 वीडियो लेक्चर, एंड पार्ट 7 वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल सही आपने सुना, जो हमारा पार्ट 7 वीडियो लेक्चर है ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेगा, और जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में हमें क्या सीखना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पार्ट 7 वीडियो लेक्चर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रुप्स। एक बच्चा बोला कि भैया ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है लेकिन देखो बहुत सारी किताबों में बहुत सारी डेफिनेशन है, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री का कोई भी एक केमिकल स्पीसीज है, एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा ग्रुप है जो अगर चेन में लग जाता है तो पूरे चेन की पहचान बदल देता है, पूरे चेन का वजूद बदल देता है, यानी कुछ भी ऐसा जिससे कार्बन दोस्ती करने को तैयार है,
कुछ भी ऐसा जिससे कार्बन दोस्ती करने को तैयार है, और जो कार्बन से दोस्ती करके पूरे चेन की पहचान बदलता है, उसकी विशेषता बदल देता है, उसी को फंक्शनल ग्रुप कहा गया है। तो हमारे सिलेबस में क्लास 10th में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई 11th क्लास का बच्चा इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है तो उसे ये पता है कि हम जो फंक्शनल ग्रुप्स 10th क्लास में पढ़ते हैं केवल उतने ही काफी नहीं है। देयर आर मोर देन 15-20 फंक्शनल ग्रुप्स ओवरऑल जो स्टडी किए जाते हैं, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। लेकिन क्लास 10th में प्राइमरीली हम लोग गिने चुने 4-5 फंक्शनल ग्रुप पे बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है हैलोजन ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल ग्रुप, तीसरा फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप, चौथा फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप, और पांचवा फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन केवल मेरे बता देने से क्या फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे? अरे नहीं रे नहीं। अब सुनो, मैं एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, और एक एक फंक्शनल ग्रुप को कार्बन की चेन में लगाकर कार्बन की चेन का नाम क्या होता है वो आपको बताऊंगा। तो जो मैं बताने हूं जा रहा, जो मैं समझाने हूं जा रहा, उसको बड़े ध्यान से सुनना। आइए देखते हैं क्या आपको समझ है आ रहा। तो जो अब बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए, और सारा दिमाग इधर उधर चाहिए, क्योंकि ये कार्बन एंड कंपाउंड्स की यूनिट का पार्ट 7 वीडियो लेक्चर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई रिपीट माय सेंटेंस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला, मैं रिपीट कर रहा हूं हमारी बात, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, आई रिपीट माय सेंटेंस, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आपको सिखाऊंगा। ये वीडियो लेक्चर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेगा, उसे हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप। आई रिपीट माय सेंटेंस, उसे हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। अब सवाल आता है, सर ये हैलोजन ग्रुप क्या होता है? आइए, केमिस्ट्री में बहुत ध्यान सुनना, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के, रिपीट माय सेंटेंस, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को, ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन को कहते हैं हैलोजन्स। बिल्कुल सही आपने सुना भाई। आपको मैं सीधा बता दूं कि हैलोजन ये होता है। अरे जब तक ये नहीं बताऊंगा कि हैलोजन क्या होता है, जब तक ये नहीं बताऊंगा कि हैलोजन कहते किसे हैं, हैलोजन ग्रुप के बारे में कैसे पढ़ाऊंगा? तो आप ध्यान के देखो, इन सब की खासियत क्या है, इनकी खासियत है कि इन्हें स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, इन्हें स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बच्चा कहता है अगर क्लोरीन को, ब्रोमीन को, फ्लोरीन को, आयोडीन को स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कार्बन के पास क्यों आया भाई? भूलो मत, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर करके इनके इलेक्ट्रॉन का भी फायदा उठाएगा। कैसे? आओ एक एग्जांपल देते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हैलोजन क्लोरीन, हैलोजन ब्रोमीन, हैलोजन फ्लोरीन, हैलोजन आयोडीन। सुनना ध्यान से, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, जब हैलोजन की दोस्ती, आई रिपीट माई सेंटेंस, जब हैलोजन की दोस्ती किसी एल्केन के साथ होती है, तब बनने वाले कंपाउंड को कहते हैं हैलोजन प्लस एल्केन से बनने वाले कंपाउंड को कहते हैं। सुनना ध्यान से, जो बात बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। हैलोजन प्लस एल्केन में से
इसमें से उठाते हैं हेलो, क्या उठाते हैं हेलो 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 हेलो, और यहां से उठाते हैं एल्किन, क्या उठाते हैं एल्किन। तो हेलो का हेलो उठाया, एल्किन का एल्किन उठाया और कंपाउंड का नाम बना हेलो एल्किन। क्या नाम बना? हेलो एल्किन, हेलो एल्किन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हेलोजन उठाया क्लोरीन और क्लोरीन की दोस्ती कराई किसी एल्किन मीथेन से तो बनेगा क्लोरो, तो बनेगा क्लोरोमीथेन। अगर मैंने उठाया क्लोरीन की जगह ब्रोमीन और ब्रोमीन की दोस्ती कराई मैंने किसी मीथेन से तो बनेगा ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। अगर मैंने फ्लोरीन उठाया, अगर मैंने फ्लोरीन की दोस्ती कराई मान लो किसी प्रोपेन से, मान लो दोस्ती कराई प्रोपेन से तो बनेगा फ्लोरो प्रोपेन, फ्लोरो प्रोपेन। अगर मैंने उठाया आयोडीन और आयोडीन की दोस्ती कराई मैंने मान लो ईथेन से तो बनेगा आयोडो ईथेन, बनेगा आयोडो ईथेन। मैंने अभी केवल और केवल नाम लिखने की प्रक्रिया समझाई है, नाम लिखने की प्रक्रिया समझाई है। अरे बन कैसे रहा है ये नहीं बताया, बन कैसे रहा है ये नहीं बताया, बन कैसे रहा है ये नहीं बताया। केवल ये बताया कि अगर कोई हैलोजन किसी एल्केन से जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनता है। केवल ये बताया कि अगर कोई हैलोजन किसी एल्केन से जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनता है। आई होप ये बात समझ आ रही है। देख लीजिए आपके लिए जो चीज मैंने है समझाई, जो मैंने आपको है बताई, आई होप आपको ये समझ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिखी है, आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे किसी हेलो एल्केन का नामकरण किया जाता है। अब बताने जा रहा हूं कि ये बना कैसे, अब बताने जा रहा हूं कि ये बना कैसे, अब बताने जा रहा हूं कि ये बना कैसे। तो ये देखिए यहां पर जगह बनाऊंगा, ये इतना हिस्सा मिटाऊंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा। आइए इधर ध्यान दीजिए, आपका फोकस, आपका फोकस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन। हमने कहा कि मीथेन तेरी दोस्ती हम कराएंगे क्लोरीन के साथ, तेरी दोस्ती हम कराएंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। तो मीथेन कौन है? CH4। क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या है? Cl2। देख लीजिए मीथेन कौन है, मीथेन यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है CH4 है और क्लोरीन मॉलिक्यूल यहां पे कौन है? Cl2। तो देखिए CH4 कहता है भाई साहब मैं कार्बन, मेरा एक हाथ हाइड्रोजन, मेरा दूसरा हाथ हाइड्रोजन, मेरा तीसरा हाथ हाइड्रोजन, मेरा चौथा हाथ हाइड्रोजन प्लस। क्लोरीन कहता है भाई साहब मैं Cl और मैं Cl। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या कहा? क्लोरीन ने हाइड्रोजन को कहा ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल आएगा। तो यहां पे क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? HCl। यानी मीथेन ने अपना एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने अपना एक क्लोरीन आपस में कंबाइन कर लिया, तो ये क्या हो गया? कार्बन विद हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन एंड विद एक हाथ खाली, कार्बन में वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया। ठीक उसी तरह से वहां से आया क्लोरीन, क्लोरीन का एक, क्लोरीन का दो, क्लोरीन का तीन, क्लोरीन का चार, क्लोरीन का पांच, क्लोरीन का छह और क्लोरीन का सात। भाई नजर आया? अब जरा गौर से देखो, क्लोरीन अपने आठ इलेक्ट्रॉन यहां पूरे करेगा तो कार्बन भी तो अपना ये वाला ऑक्टेट पूरा करेगा, एक दो तीन चार पांच छह और सात आठ। तो क्लोरीन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, क्लोरीन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, क्योंकि क्लोरीन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया तो ये बना CH3CL, क्योंकि CH3Cl में क्लोरीन ने दोस्ती करी, क्लोरीन ने दोस्ती करी मीथेन से, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोरोमीथेन, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोरोमीथेन। देख लीजिए, कोई डाउट है तो घूर लीजिए। ये जो बात मैंने आपको है बताई, ये जो बात मैंने आपको है समझाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ है आई, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसे समझना बेहद जरूरी है।
एक क्लास 10th के स्टूडेंट होने के अनुसार इतना तो समझ आना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की कि कैसे लिखते हैं नाम। सुनिए ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं, इतनी बात आपको मिटा रहा हूं, तो अब आपको बताने जा रहा हूं कैसे लिखते हैं नाम जब किसी एल्केन से जुड़ा होता है हैलोजन। आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे लिखते हैं नाम, नॉमेनक्लेचर। आइए अब आपको सिखाने जा रहा हूं नॉमेनक्लेचर, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं नॉमेनक्लेचर, किस चीज का नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। कैसे लिखते हैं नाम, कैसे लिखते हैं नाम जब किसी एल्केन से आकर जुड़ जाता है, जब किसी एल्केन से आकर जुड़ जाता है कोई हैलोजन। आइए स्टेप वन सुनो ध्यान से। स्टेप वन, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें, इस बात का ध्यान रखें कि जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है वो चेन का पार्ट जरूर बने। ये बच्चा कहता है क्या लिख दिया भैया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें यानी इस बात का ध्यान रखें कि जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है वो चेन का पार्ट जरूर बने। ये देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, C3H7 एंड सिंगल बॉन्ड Cl। अब ध्यान से देखो लॉन्गेस्ट चेन के अनुसार हमें ऐसा लग रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन ये है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन। तो देखो, सात कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। बट जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है वो चेन के बाहर है। Therefore ये गलत है। ये नेमिंग गलत है, नंबरिंग गलत है। एक बच्चा कहता है क्यों, आपने तो कहा था लॉन्गेस्ट चेन यूज करनी है। भाई लॉन्गेस्ट चेन करनी है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगेगा उसे चेन का पार्ट जरूर बनाओ। ये रूल इसी के लिए वैलिड है। अब अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई और ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो ये चेन के बाहर हो गया। समझ आ रहा है। स्टेप नंबर वन देखो जी, स्टेप टू क्या कहता है, स्टेप टू नंबरिंग वहां से करो जहां से हैलोजन ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आने वाला पास पड़े। अब देखो, इस चेन में दो चीजें लगी हैं, एक लगाए एल्काइल ग्रुप और एक लगाए हैलोजन ग्रुप। तो ये तो लगा है एल्काइल ग्रुप और ये लगा है हैलोजन ग्रुप। अब दो दो ग्रुप लगे। अब सुनो क्या बोल रहा हूं, सुनना बहुत जरूरी है। आप सोचो कि कार्बोनेट कंपाउंड इतना आसान है, एक्चुअली में नहीं है। अरे बहुत सारे टीचर तो इतना बताते भी नहीं है, कहते नॉट इन द सिलेबस। मैं तो फिर भी आपको बता रहा हूं, फिर भी आपको सिखा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपकी लाइफ बन जाए। एक बच्चा कहता है क्या इतना जो आप बता रहे हो एग्जाम में आएगा? देखो, 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में
ये चीजें आए या ना आए वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। भाई एटलीस्ट ज्ञान को प्राप्त करना कोई गुना तो नहीं है, थोड़ा डिटेल में ही सीखोगे तो बेटर है कि जो चीजें आपको सिखाई जा रही है, जो चीजें आपको बताई जा रही है उनको आप डिटेल में समझो, कॉन्सेप्ट को पक्का कर लो। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नॉमेनक्लेचर चल रहा है हैलोजन के साथ, तो ध्यान से देखो मैंने आपको बताया कि अल्फाबेटिकली नंबरिंग वहां से करो जहां से हैलोजन ग्रुप जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो पास पड़े। अब हैलोजन ग्रुप कौन से है, बी फॉर ब्रोमो, सी फॉर क्लोरो, एफ फॉर फ्लोरो एंड आई फॉर आयोडो। तो जहां से ब्रोमो पास पड़ेगा, जहां से ब्रोमो पास पड़ेगा वहां से काउंटिंग करेंगे। एक बच्चा कहता है व्हाट अबाउट एल्काइल ग्रुप, व्हाट अबाउट एल्काइल ग्रुप, सुनो ध्यान से, अगर चेन में एल्काइल ग्रुप और हैलोजन दोनों लगे हैं, अगर चेन में एल्काइल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप दोनों लगे हैं तो प्रेफरेंस हमेशा हैलोजन को देंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे जब हैलोजन और एल्काइल लगा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हैलोजन और एल्काइल लगा है, इन दोनों में प्रायोरिटी किसको गई, हैलोजन को, प्रायोरिटी किसको गई, हैलोजन को। आइए जानते हैं, इसे मैंने यहां से मिटाया, इसे मैंने यहां से मिटाया और अल्फाबेटिकली क्लोरीन पास पड़ रहा है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांच कार्बन, तो क्या मैं बोल सकता हूं पेंटेन की चेन में, पेंटेन की चेन में, पेंटेन की चेन पे फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर लगा है क्लोरो, लगा है क्लोरो, सेकेंड कार्बन पर लगा है प्रोपाइल, therefore इसका नाम होगा वन पे क्लोरो, टू पे प्रोपाइल, लगा किससे, पेंटेन से, लगा किससे, पेंटेन से, लगा किससे, एक दो तीन चार पांच, देख लीजिए, घूर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पता क्या बोला, इतना सब मुझे याद कैसे रहेगा, आप तो लिखवाए लिखवाए जा रहे हो, अरे कई बार कहा है कि जो बता रहा हूं सब कुछ रिटर्न फॉर्म में है, नोट्स की फॉर्म में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के ही नहीं, पूरी साइंस जितनी भी अभी तक आपका सिलेबस हो चुका है हर चैप्टर के नोट्स हैं, कुछ के हैंड रिटन नोट्स हैं, वेल प्रिपेयर्ड, वेल एक्सप्लेनेटरी, कुछ के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बैंक्स हैं। तो आप भैया घर बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो हथियार तो होना जरूरी है, यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन हथियार ही नहीं होगा तो जंग कैसे लड़ोगे बोर्ड की। तो जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, दुनिया के किसी भी कोने में नोट्स मंगवाओ, आपको डिलीवर करने की जिम्मेदारी मेरी है, ऑर्डर प्लेस करने की जिम्मेदारी आपकी है, सब जानते हैं, सब कर रहे हैं, आप ऑलरेडी देख रहे हो, एंड बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, आप आराम से सभी नोट्स को मंगवा सकते हैं, सभी नोट्स को अपने घर पे डिलीवर करा सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का खासकर जो ये चैप्टर आपको मैं समझा रहा हूं, जो भाषा मैं बोल रहा हूं, ये जो शब्द लिखे हैं, ये आपको एज इट इज नोट्स में मिलेंगे, तो आपका काफी फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एडवांटेज देंगी, तो भरपूर एडवांटेज खाइए। आई होप ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। एक बच्चा कहता है हाँ समझ तो आ रही है लेकिन फिर भी चैन नहीं पड़ रहा। भाई कैसे पड़ेगा चैन, एक एग्जाम्पल थोड़ी कहानी खत्म हो जाएगी, ये रूल दिमाग में बिठा लिए। तो आओ अब करते हैं एग्जाम्पल्स, आइए एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, अब करते हैं एग्जाम्पल्स, ये देखिए, आइए फ्यू एग्जाम्पल्स, रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, ध्यान से सुनना, few example of those carbon chain, जिसमें लगा है हैलोजन ग्रुप, तो हैलोजन ग्रुप प्लस एल्केन मिलकर बनाता है हैलो एल्केन, मिलकर बनाता है हैलो एल्केन। बात समझ रहे, ये बात। इसके अलावा कभी कभी एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। भाई देखो
अगर मैं कहता हूं कि कार्बन में यहां पे Cl लगा है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे H है, तो ये कैसे बना? ये तब बना जब CH4 में Cl लगा, यानी Cl से तो आया क्लोरो, और किस पे लगा? मीथेन पे लगा, तो क्या बना? क्लोरोमीथेन। क्या बना? क्लोरोमीथेन। आयुपैक के अनुसार है भाई, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है मैं कुछ भी बोल दूं से काम नहीं चलेगा। आयुपैक नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं ऐसे देखूं, ऐसे देखूं, ऐसे, तो ऐसे लग रहा है जैसे CH3 पे Cl लगा है, तो CH3 क्या होता है? मीथाइल। Cl क्या होता है? क्लोराइड। तो अगर नाम ऐसे लिखे तो भी सही है और नाम ऐसे लिखे तो भी सही है। मैं आपको प्रेफरेंस क्या कराऊंगा कि ये लिखना इज मोर प्रेफरेबल, इसे बहुत रेयर आपको कभी पूछा जाए तो लिखो, अदरवाइज ये नाम जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा नेम जिसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। कैसे लिखते हैं? आइए एग्जांपल नंबर वन, आइए समय जो आपके लिए है वो बहुत कीमती है, तो एग्जांपल नंबर वन देखिए क्या कहता है। कार्बन एक, कार्बन दो, कार्बन तीन, कार्बन चार, में लगा ब्रोमो, इधर ले लगा क्लोरो, इधर और ये लगा सी एच थ्री, इधर और लेटर से कि हाँ सी एच थ्री। बस देखो देखो, बहुत सिंपल पहला एग्जांपल। तो सबसे पहला काम क्या है? क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। बिल्कुल सही, लॉन्गेस्ट चेन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। पांच कार्बन की चेन में काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली पहले आने वाला हैलोजन ग्रुप पास पड़ेगा। अल्फाबेटिकली पहले आने वाला हैलोजन ग्रुप कौन है? ब्रोमो। यहां से काउंटिंग करते हैं तो ब्रोमो को 2 मिलता है, यहां से काउंटिंग करते हैं तो ब्रोमो को 1, 2, 3, 4 मिलता है। तो दिस इज मोर प्रेफरेबल। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो देखो जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले लिखा 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो। एक बच्चा कहता है 1 पे क्लोरो लिखा, उसको क्या लिखा? अबे वो अल्फाबेटिकली पहले नहीं आता है, अल्फाबेटिकली पहले आने वाले को पहले लिखेंगे। तो 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 1, 1 डाइक्लोरो, 1, 1 डाइक्लोरो। कौन सी चेन? पांच कार्बन की चेन। तो क्या हो गया? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। तो 2 ब्रोमो, 1, 1 डाइक्लोरो, पेंटेन। आई होप समझ आया, आई होप समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एग्जाम्पल नंबर वन था। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू की, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू की, ए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू की। यहां बी आर लगा दिया, यहां सी थ्री एच सेवन लगा दिया, यहां पे सी एल लगा दिया और यहां पे भी सी एल लगा दिया। देख लीजिए, देख लीजिए। अब अगर आप नोटिस करो, हमारी लॉन्गेस्ट चेन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, सात कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, सात कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, सात कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। और सात कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से हैलोजन ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आने वाला पास पड़ेगा। तो ब्रोमो यहां से पांचवे पे आ रहा है, ब्रोमो यहां से तीसरे पे आ रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा। तो 3 पे ब्रोमो, तो मैंने लिखा टीचर टीचर 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 4, 4 डाइक्लोरो, 4, 4 डाइक्लोरो, सात कार्बन की चेन, तो उसका नाम पड़ गया हेप्टेन। क्या पड़ गया? हेप्टेन। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आपको वो सिखा रहा, आई होप आपको समझ आ रहा, आपको वो सिखा रहा, आई होप आपको समझ आ रहा। आओ जरा टाइम ना करें अपना वेस्ट, आए हम जाने अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के नीचे C3H7 के पास Br, के पास F। भाई समझ आ रही है बातें? बातें क्लियर हो रही हैं? तो देखिए, चेन लगा दी, यहां पे चेन F की लगा दी। गौर से देखिए, गौर से देखिए, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, सात कार्बन की एक चेन, सात कार्बन की एक चेन में अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आना चाहिए। यहां से काउंटिंग करी, यहां से काउंटिंग करी तो 1 पे 2 पे 3 पे और 4 पे, 4 पे ब्रोमो आ रहा है। यहां से काउंटिंग करी तो ये तो 5 6 7 हो जाएगा। अगर यहां से करता हूं तो 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब मुझे बताओ, देखो ब्रोमोन यहां से लू तो भी फोर पे, यहां से लू तो भी फोर पे, तो फोर के बाद सिक्स सिक्स, फोर के बाद सिक्स सिक्स अच्छा, या फोर के साथ टू टू अच्छा, टू टू अच्छा, टू टू ज्यादा अच्छा, लोएस्ट नंबर सबको लोएस्ट मिले ज्यादा अच्छा है, तो सबको लोएस्ट मिले ज्यादा अच्छा है। इसके लिए मैंने पहले लिखा कि टीचर टीचर फोर पे आया ब्रोमो, फोर पे आया ब्रोमो, टू पे टू कॉमा टू डाई फ्लोरो, टू कॉमा टू डाई फ्लोरो, तीन चार पांच छह सात हेप्टेन, हेप्टेन। भाई देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, दिस इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझ आ रहा है। आइए एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल और, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के नीचे C2H5, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Br एंड सिंगल बॉन्ड Br एंड सिंगल बॉन्ड फ्लोरो। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी एग्जांपल है। अगर चेन की काउंटिंग ऐसे करी, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह कार्बन की चेन ले, छह कार्बन की चेन ले, छह कार्बन की चेन में पहले कार्बन पे दो ब्रोमो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। एक बच्चा पता क्या बोला, कहता है यहां से क्यों करी, अबे अल्फाबेटिकली ब्रोमो पास पड़ रहा है, तो वन कॉमा वन डाई ब्रोमो, वन कॉमा वन डाई ब्रोमो, ब्रोमो, देन टू पे फ्लोरो, टू पे फ्लोरो, फोर पे मिथाइल, फोर पे मिथाइल, फोर पे मिथाइल, एक दो तीन चार पांच छह हेक्सेन, हेक्सेन। देख लीजिए, घूर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आपको बातें समझ आ रही है, जो मैंने आपको ये जो है सिखाया वो आपको समझ है आया, एंड दिस वॉज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी था, ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी था। तो देखिए मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं ये काफी नहीं है, प्रैक्टिस करो यार, और प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में हैलोजन की नॉमेनक्लेचर सिखा दी, अगला वीडियो लेक्चर जो मैं लेकर आऊंगा मैं फिर से एक और फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूंगा, और दो तीन फंक्शनल ग्रुप हो जाने के बाद एक वीडियो लेक्चर अलग से बनाऊंगा, जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स की मैगी बनाकर मिक्स करके आपको क्वेश्चन दूंगा, तभी तो समझ आएगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो कोई भी कर लेता है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है या क्लास 11th के स्टूडेंट है, जो अपनी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने में कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी कोशिशों को कामयाबी मिल रही होगी। अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अपना पूरा ध्यान लगाइए, मेरे द्वारा दी गई सुविधाओं का भरपूर फायदा उठाइए। नोट्स आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, सैंपल पेपर आपको चाहिए, जो भी चीजें आपको चाहिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड यस, being a student of class 10, one thing is really very important, which is that you must not waste your time. So do not forget to share, do not forget to like, do not forget to comment, and yes, mehnat karna to bilkul mat bhuliye, is video lecture ko aag ki tarah apne sabhi doston mein phaila dijiye, sabka bhala karo bhaiya, carbon its compound, achho achho ko samajh nahi aa raha hai, achho achho ko samajh nahi aa raha hai, bhai kya kare, koi samjha nahi pa raha hai, तो जब हम समझा रहे हैं तो फिर क्यों आप पीछे हट जा रहे हैं, क्यों ना आगे बढ़े और इस वीडियो को आगे फैलाएं और सबका भला करें और सबको समझाएं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग, एंड यस डू नॉट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वंस अगेन।